टेंशन क्यों लेगी? सरकार का जो काम है वो कर रही है, सरकार का काम है हमारी इज्जत बेच के रोटी सेकना सेक रही है। क्यों नहीं कोई बिल्कुल बेगूसराय में भी हुआ है, 10 साल की लड़की के साथ रेप करके मतलब उसको जमीन में गाड़ दिया गया है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। कार दोस्तों देखिए अभी हम लोग हैं कारगिल चौक पर और यहाँ पर पूरी महिला समाज से जो है महिला विकास मंच की पूरी मेंबर जो है यहाँ आक्रोश में कैंडल मार्च निकाली हुई है। कैंडल मार्च क्यों? कि पूरे देश में जिस तरह से बेटियों के साथ महिलाओं के साथ अपमानित किया जाता है, रेप किया जाता है, उसके बाद भी जो है सरकार कोई एक्शन नहीं ले रही है, उसके बाद जो है महिला विकास मंच की पूरी मेंबर जो है पूरा आक्रोश में आक्रोश मार्च निकाली हुई है, पूरे गुस्से में दिख रही है। सरकार इसके ऊपर क्यों नहीं कोई कानून, नया कानून बना रही है और वैसे धरिंदों को क्यों नहीं सजा सुना रही है? ये पूरा यहाँ पे निकली हुई महिला विकास मंच की पूरी मेंबर यहाँ रोड पे उतरी हुई है, आक्रोश मार्च कर रही है, कैंडल जला रही है, बस न्याय के लिए मांग कर रही कि जल्द से जल्द ऐसे दरिंदों को जो अभी बेगूसराय में हुआ है ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा दी। मैडम जिस तरह से देश में हो रहा है, क्या आप लोग सुरक्षित हैं, महिलाएं सुरक्षित हैं, आप खुद को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कैसा सवाल पूछ रहे हो भाई, इतना पूरे देश में आग लगी हुई है, कहीं बेटियां गड़ रही हैं, कहीं नंग चल रही हैं और हमको बोल रहे हो कि सुरक्षित है, अब कपड़े उतार दो और इसी पे राजनीति करो। सरकार क्यों नहीं कुछ एक्शन ले रही है? सरकार एक्शन क्यों लेगी? सरकार का जो काम है वो कर रही है, सरकार का काम है हमारी इज्जत बेच के रोटी सेकना सेक रही है। क्यों नहीं कोई नया कानून बना रहे हैं इसे दरिंदों को फांसी देने के? कानून बना हुआ है, कार्य नहीं हो रहा है, उसमें कार्य नहीं हो रहा है। ये महिला विकास मंच की मेंबर यहाँ काफी सारी है, सभी लोग आक्रोश मार्च निकाली हुए, कैंडल मार्च निकाली हुए है। अच्छा क्यों कैंडल मार्च निकाले हुए हैं? कैंडल मार्च इसलिए निकला हुआ है कि जो अभी मणिपुर में हादसा हुआ है, लंगा नाच नचाया गया है महिलाओं को, लड़कियों को, ये लाइट इसलिए किया गया है कि जो हमारे सरकार है हम उनको लाइट दिखा रहे हैं, ये लाइट से आपको ये सबक समझ जाइए कि हम लोग के साथ क्या गलत हो। उन लोग का भी चार पकड़ाया है, उनको फांसी की सजा दी जाए और लंगा करके जैसे उसको रोड पे लड़ाया गया है लंगा करके, एकदम उसी के लिए हम लोग निकाले हैं कैंडल लाइट। सिर्फ मणिपुर ही क्यों, पूरे देश में तो ये चल रहा है, आज बेगूसराय में भी हुआ है। बेगूसराय में भी हुआ है 10 साल की लड़की के साथ रेप करके मतलब उसको जमीन में गाड़ दिया गया है, तो ये बहुत गलत हो रहा है। ये सरकार कहाँ बंद आंख बंद करके बैठे हुए, इतना कुछ होने के बाद भी सरकार जो है कोई एक्शन नहीं लेते हैं, पता नहीं कहाँ सोई हुई है, बार बार महिलाओं के साथ बेटियों के साथ हो रहा है फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो यही तो बात है ना कि कुछ कर नहीं रहे, लेकिन अगर शराब बंदी करना हो तो तुरंत बंद हो जाता है। यहाँ शराब बंदी होना है, जितना होना है अपना जो पॉलिसी करना होता है वो चीज पे बंदी लग जाएगा, लेकिन जहाँ लड़की की रेप हो रही है, माई बहन लंगा हो रही है, इसके लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, लापरवाही करके बैठे हुए। उनको समझना चाहिए सरकार को, अगर जिस तरह से आप शराब बंदी करवाए, बहुत सारी चीजें ऐसे करवाते हैं, कम से कम ये चीज तो बंद करवाए। हमारी कितनी बेटी बहू जल रहे हैं, मर रहे हैं लंगा, अब यहाँ तक नौबत आ गया कि अब लंगा करके दौड़ाया जा रहा है। अब महिलाएं शांत नहीं बैठेंगी, अगर शांत बैठेंगे तो लगता है कि फिर से नहीं, अब कोई महिलाएं शांत नहीं बैठेंगी। अगर हमारे सरकार कुछ नहीं करते तो हम लोग सभी अपने आप को खत्म करेंगे, हम लोग सब अपना जान देंगे। मोदी सरकार रहे चाहे कोई भी रहे, सरकार हमारे हैं। अगर कोई कदम अभी नहीं, अभी एकदम अहम फैसला नहीं उठा जितना जल्दी हो सके, तो हम लोग सब धरना पे बैठ जाएं। क्या लगता है आप लोगों को, नहीं लगता है कि सरकार को इसके लिए नया कानून बनाना चाहिए और जो ऐसे दरिंदे हैं उनको जल्द से जल्द सजा मिलना चाहिए? एकदम बनाना चाहिए, बहुत ही जल्द एक ऐसा मतलब बनाना चाहिए कानून कि लड़का कांप जाए, डर जाए ऐसा काम करने से कि नहीं हम अब रेप करेंगे तो बचेंगे। ये जो फॉर्मेलिटी होता है ना, पहले कोर्ट जाकर चेहरी दो तब सजा मिले, अब रेप करा तुरंत सजा, फांसी की सजा दो, वो कोई कोर्ट कचहरी वाला काम है। इसी में तो ये दरिंदे को मिल जाते हैं छूट, नहीं भाई चलो हमको टाइम मिल गया तो नहीं, एकदम तुरंत रेप हुआ तुरंत उसको फांसी की सजा बीच रोड पे किया जाए, बीच रोड में किया जाए। बाकी बात देखिए यहाँ जिस तरह से महिला आक्रोश है, देखिए इन लोगों का गुस्सा, देखिए इन लोगों का गुस्सा देख के आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि और जितना जल्दी हो सके इनको फांसी की सजा मिले। बाकी बात आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेके कमेंट कर अपना राय जरूर दीजिएगा, फेसबुक पेज पर देखें, यूट्यूब चैनल पर देखें, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।